लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के साथ ही जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। ऐसा ही मामला झाबुआ से सामने आया है। यहां कांग्रेस विधायक ने भाजपा के सांसद प्रत्याशी पर जातिगत हमला किया और इतना ही नहीं, उन्हें चोर डाकू तक कह दिया। इसे लेकर भाजपा ने अलीराजपुर जिला कलेक्टर से शिकायत की है, जिसके बाद आज विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देखिए रिपोर्ट। झाबुआ जिले के थांदला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे थांदला के ग्राम मदुरानी में आयोजित कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें कांग्रेस सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी शामिल थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि हम सबको पूरी ताकत और मेहनत के साथ लोकसभा चुनाव जीतना है, जैसे कि हमने सोसाइटी चुनाव जीता था। भाजपा ने किसे टिकट दिया, कोई उसे पहचानता है? वो भिलाला है, डाकू चोर है, वो लोग चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के। उनको कोई जानता है और अपने कोई उन्हें पहचानता है? सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब एक ताकत के साथ सोसाइटी का चुनाव किया था, ऐसे एक एक गांव में एक एक गांव के रखवाल बन करके आप लोग को चुनाव जीतना है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के। उनको कोई जानता है और अपने लोग को उनको पहचानता है? और भूरिया साहब को थांदला के MLA रहे, फिर चार बार और पांच बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे, फिर झाबुआ में उपचुनाव हुआ था तब भी वहाँ के विधायक रहे, और आज हमारे सब एक एक जन जन माने एक एक कार्यकर्ता जानता है कि कांतिलाल भूरिया। अभी गाड़ी निकलती है तो बहुत सारे छोरे अभी वो होली खेलने वाले भी देखते हैं, वो कहते हैं कौन कांतिलाल भूरिया दे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर व पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास से पूरे मामले को लेकर मिले, जहां जिला अध्यक्ष मकू परवाल ने कांग्रेस विधायक के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर मांग की, जिसके बाद आज विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में काकनवानी थाने में मामला दर्ज किया गया। कल मदरानी में कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया लोकसभा के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में वीर सिंह भूरिया द्वारा हमारी लोकसभा की प्रत्याशी के विरुद्ध जो अनर्गल बयानबाजी एक पब्लिक मीटिंग में की है, उन्होंने चोर डाकू जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि जो वोट मांगने आए उनके हाथ काट दो, ऐसे हिंसा भड़काने वाली भाषा का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके ऊपर योग्य कार्रवाई हो। हम पुलिस अधीक्षक महोदय अलीराजपुर के यहाँ एक आवेदन लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर के सभी कार्यकर्ता आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही अलीराजपुर का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। वहीं भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जोबट।